أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله واللعنة الله على عداه مجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين رب الشح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم عجل لوليك الفرج Respected brothers and sisters, السلام عليكم ورحمة الله Thank you very much for joining. جانو, five minutes at five ke is उनका नाम है बजंती और जनाब अबीबिबन ओस जनाब अहमद बजंती के बारे में है कि ये हमारे आठवें इमाम इमाम अली के सहाबियों में से थे और इमाम मोहम्मद तकी जवाद हमारे नवे इमाम के खास स्टूडेंट और कंपेनियन में से थे जनाब अहमद बजंती कोफी के बारे में ये मैंशनड है कि ये कोफा से ताल्लुक करते थे इसलिए अहमद बजंती कोफी और इनकी लेवल ऑफ रिलायबिलिटी इनका जो हदीसों का नॉलेज था और इनकी जो हदीसों की सच्चाई थी वो इतनी थी कि कई ओलमा अगर कोई हदीस अहमद बजंती के थ्रू नरेटेड है तो उसके आगे के चेन ऑफ नरेटर्स चेक नहीं करते जब भी कोई हदीस बयान होती है तो जब किताब में सोर्स किताब में लिखी जाती तो तो लिखते हैं कि यह हदीस उन्होंने किसी से सुनी उन्होंने किसी से सुनी उन्होंने किसी से सुनी उन्होंने किसी सहाबीआ इमाम से सुनी जिसने इमाम से सुनी कि इमाम ने फरमाया तो अगर ऐसी चेन ऑफ नरेटर्स में जनाब अहमद इब्ने बजंती का नाम आता है तो उसके आगे की चेन कभी भी चेक नहीं की जाती कई क्योंकि जनाब अहमद अहमदी इतने ट्रस्ट वर्दी थे और इतने एहतियात से इतने बहुत ही कॉन्फिडेंटली वो जो इस हदीस को बोलते थे ताकि जो हदीस इमाम या उनके सहाबी की तरफ से पहुंच रही है वो उसकी सच्चाई जनाब अहमद इब्न बजंती चेक करके ही बयान करते थे जनाब अहमद बजंती 221 हिजरी में जो है इस दुनिया से रहलत कर गए जो सेकंड सहावी कराम है जिनका हम आज जिक्र कर रहे हैं उनका नाम है जनाब हबीब इब्न ओस रहम्ला इनकी कुत अबू तमाम थी और ये जो है अपने जमाने के बहुत अच्छे शायर थे पोइट थे और अहलबैत की मदहोसना में इन्होंने कई सारी पोइट्री यानी कि अशार लिखे थे रवायत में मेन्शं हिस्ट्री में मैंशनड है कि जनाब हबीब इब्न ओस को 14000 पोएम्स बाय हार्ट थी 14000 शेर इनको बाय हार्ट आते थे इनको इनके जहन में थे 14000 14000 शेर और कई लोगों ने इनको शिया के बड़े लोगों में जो है मतलब उस जमाने के जो लीडर्स थे शिया के उसमें जो है कैलकुलेट किया है और इमाम अलैहिस्सलाम के खास सहाबियों में شمار किया है इन्होंने एक पोएट्री लिखी थी जिसमें इन्होंने इमाम अमीर से लेकर इमाम जवाब इमाम मोहम्मद तकी जवाद तक तमाम किया था और हमारे नवे इमाम इमाम मोहम्मद तकी जवाद के दौर में ही जो है वो इस दुनिया से चले गए थे इसीलिए वो आगे उन्होंने पोए कंटिन्यू नहीं की जनाब अबू तमाम हबीब इबन ओस मूसल शहर जो इराक में है वहां पर इस दुनिया से टू हिजरी में जो है वो रहलत कर गए इनशाला قل فر ملاقات كرنجي دو ني اصحابي قرآن كي ستوري كي سات تانكيو فيري ماتش فور جزاك الله واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين بر محمد وعلي محمد سلوات اللهم سل على محمد وعلي محمد وعجل فرجهم